हर 4 साल बाद लोग अमेरिका में उसके लिए वोट करते हैं जिसे वो अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट मुल्क के सारे फैसले करता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट समझा जाता है। अमेरिका की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जंग 50 रियासतों और एक डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया को हासिल करने की होती है। अमेरिका में दो बहुत अहम पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका में आवाम का वोट किसी भी कैंडिडेट की जीत का फैसला नहीं करता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का फैसला किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पार्टीज़ अपना कैंडिडेट कैसे मुंतखब करती हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने इलेक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 अहम शराइत को पूरा करना बहुत लाजमी है। प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीज़न होना चाहिए, कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए और कम से कम 14 साल के लिए अमेरिका का रिहायशी हो। पार्टीज़ अपना उम्मीदवार कैसे मुंतखब करती हैं? अमेरिका की दो अहम पार्टीज़ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को प्रेसिडेंट कॉकसेस और प्राइमरीज के ज़रिए अपना उम्मीदवार मुंतखब करना होता है। जनवरी और जून के बीच में ये प्राइमरीज और कॉकसेस हर स्टेट में होते हैं। तो आइए जानते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस क्या होता है। प्राइमरीज एंड कॉकसेस एक तरह की कैंपेनिंग होती है इलेक्शन के दौरान। कॉकसेस में पार्टी मेंबर्स मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और जिसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं उस कैंडिडेट के हक में वोट करते हैं। प्राइमरीज में पार्टी मेंबर्स स्टेट इलेक्शन करवाते हैं और उसके हक में वोट करते हैं जिसे वो अपनी पार्टी में से प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। प्राइमरीज और कॉकसेस के बाद हर पार्टी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन करवाती है और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल नॉमिनी अपना वाइस प्रेसिडेंट खुद सिलेक्ट कर सकता है या कर सकती है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? हर स्टेट में ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स होते हैं और हर पार्टी के अपने इलेक्टर्स होते हैं। वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट नॉमिनी को सपोर्ट करता है। जब लोग इलेक्शन के दिन वोट देते हैं तो असल में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट नहीं दिया जाता, बल्कि इलेक्टर्स को वोट करते हैं। हर पार्टी अपने इलेक्टर्स खुद चुनती है और उन्हें स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा करती है। इस प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने इलेक्टर्स की ज़रूरत होती है? 538 टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में 55, टेक्सास में 38, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 29 इलेक्टर्स होते हैं। 48 स्टेट्स में विनर टेक ऑल सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के 30 इलेक्टर्स जीत गए हैं और 25 डेमोक्रेटिक के जीत गए हैं तो वो 25 इलेक्टर्स भी 30 इलेक्टर्स जीतने वाले के हो जाएंगे, यानी कि वो रिपब्लिकन में आ जाएंगे। प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट्स जीतने पड़ेंगे। अगर कोई उम्मीदवार 270 वोट्स लेने में कामयाब नहीं होता तो फिर क्या होगा? कोई भी उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स ना हासिल करने की सूरत में इलेक्शन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ शिफ्ट की जाएगी। वहाँ पे हर स्टेट वोट करेगी, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस सेनेट में अदा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से मुतलिक ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।